दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से फ्रेंड्स मैं हमारे क्लास 12 के बच्चों के लिए जो टेक्स्ट बुक के लेसन का वीडियो लेकर नहीं आया था। फ्रेंड्स, मैंने केवल 5 ही लेसन का वीडियो बनाया था, तो बहुत डिमांड आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बाकी जो टेक्स्ट बुक के रह गए लेसन उनके वीडियो बनाए जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपको कंटिन्यूस मेरे लगातार ये टेक्स्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है 6 है, द फेस ऑन द वॉल लेसन का नाम है। फ्रेंड्स, ये जो एक फिक्शन पर आधारित ये लेसन है, बहुत ही मज़ेदार इसमें एक स्टोरी लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहली जो स्टेटमेंट स्टार्ट में आती है, ट्रूथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग, कि जो सच होता है वो उपन्यास की तरह कोई मजेदार नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा कहीं और रहस्यपूर्ण होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, एक आदमी रहता है, एक दोस्त अब उसके घर में एक और नया दोस्त उससे मिलने जाता है, और रोज की तरह वो अपने दोस्तों से शाम को समय मिलने जाता है, तो जो नया दोस्त आता है उसको भी वो साथ में ले जाता है। वो लोग आपस में कुछ बातें करते रहते हैं, तो लेकिन कुछ स्टोरीज पर बातें करते रहते हैं, तो अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो नया व्यक्ति आया है, नया गोरा चेहरा वाला व्यक्ति आया है, क्यों ना उसके पास भी कोई ना कोई स्टोरी होगी। तो जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक नेचुरल कहानी तो है, लेकिन ये कहानी जो है मेरे साथ अभी ही घटी है, और आज दोपहर में ही घटी है, और एकदम सच आधारित घटना है। तो उस पर फिर वो व्यक्ति बताता है कि मैं किराए के मकान में रहता था, ऑलमोंड स्ट्रीट में रहता था, और वहाँ पर दीवार पर एक चेहरा था, मतलब वहाँ पर जो धब्बे निकल गए थे, कुछ पपड़ियाँ वगैरह निकल जाती है फ्रेंड, तो उससे एक आकृति सी बनने लगी थी, और वो आकृति एक चेहरे की तरह दिखने लगी थी, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो चेहरा बन रहा है दीवार पर, ये रोज और ज़्यादा आउटलाइन गहरी होती जा रही है, मतलब ज़्यादा मूर्त रूप लेना ले रहा था, और यहाँ पर जो व्यक्ति रहता था उसका इस चेहरे से कोई ना कोई संबंध है। फिर वो व्यक्ति सोचने लगा, और उसके बाद फिर वो स्वयं ही उसको बीमारी हो गई, मतलब थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गई, तो वो दिन रात उसी चेहरे को देखने लगा, सोचने लगा, उसके माइंड में एक ऑब्सेशन, एक पागलपन आ गया, और फिर उस चेहरे के बारे में धीरे धीरे वो उस चेहरे वाला व्यक्ति को ढूंढने लगा, और लगातार ढूंढने लगा, और उसके बाद फिर उस चेहरे को ढूंढने के लिए वो सड़कों पर जाता है, बाजार में जाता है, रेलवे स्टेशन जाता है, खेल के मैदान जाता है, और लगातार लोगों को देखता रहता है। तो उसको चेहरे के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस होने लगा, कई लोग उसे तो पागल समझने लगे, लेकिन पुलिस को कई बार शक भी हो गया, लेकिन वो जब उस चेहरे को देखता ही रहा। तो एक दिन अचानक से उसे एक फोर व्हीलर में, एक टैक्सी में एक आदमी जाते हुए दिखा, तो उसे लगा कि ये वही व्यक्ति है, तो उसने एक दूसरी टैक्सी से बोला कि चलिए उससे टैक्सी का पीछा करो। फिर वो टैक्सी का पीछा करते हुए उसने उस जगह को देख लिया जहाँ पर वो आदमी उतरा, और जैसे ही वो उतरा तो वो जो नाव पर बैठकर वो फ्रांस जाने वाला था, तो उसके पास इकोनॉमिकली पैसे भी नहीं थे ज़्यादा, तो फिर भी उसने जहाँ तक वो जा सकता था उसका उसने टिकट खरीदा, और फिर वो जैसे उस आदमी से बात करने गया तो वो अचानक से फिर वो अपने दोस्तों के साथ गुम हो गया, फिर वो दो महिलाओं के भी साथ था, फिर वो उसका इंतज़ार करता रहा, कभी आधा एक घंटे के बाद वो वहाँ से निकला। फिर उसने सोचा कि आज यदि मैंने बात नहीं की तो मैं कभी बात नहीं कर पाऊँगा। फिर अचानक से वो आया और उसने बोला कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, तो क्या आप मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दोगे? तो विजिटिंग कार्ड उसको थोड़ा सा पहले पागल समझा, और उसने सोचा कि चलो इससे पीछे छुड़ाने का यही एक तरीका है, तो उसने अपना विजिट कार्ड उसको दे दिया, और विजिट कार्ड देते ही वो छोटी सी लड़की के साथ वो तेज़ी से वहाँ से चला गया। फिर उस विजिट कार्ड को देखा, और फिर मैंने देखा कि उसमें भी वही आर्मंड स्ट्रीट लिखा है, वही नाम लिखा हुआ है, मतलब जो जहाँ मैं रहता था वही स्ट्रीट उसका नाम लिखा हुआ है, और
फिर उसका नाम और उसके रहने के स्थान में कोई ना कोई सिमिलरिटी थी। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मैंने एक पेपर में खबर पढ़ी कि एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो जो डेवने में जो व्यक्ति रहता था काफ़ी रिच फैमिली से था, काफ़ी अमीर था। तो मैंने पेपर में देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसी समय सुबह उसने जब देखा था तो वो आउटलाइन जो उसको चेहरा दिख रहा था दीवार पे वो एकदम धूमिल हो चुका था और वो ना के बराबर दिख रहा था। मतलब वो धूमिल सा दिख रहा था, लिखना बंद हो गया था। लेकिन तब उसे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसको उस चेहरे से इस व्यक्ति का जो मिलान था वो मतलब वो सही था। और अचानक से बाद में पता चला कि वो उसकी मृत्यु हो गई और वहाँ से वो चेहरा भी दिखना बंद हो गया। तो ये बात सुनकर जब लोगों को बड़ा मज़ा आया तब उसने बोला कि ये जो स्टोरी है इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो उसका जो दीवार पर चेहरा बना, और उसके बाद दूसरा उसका जो नाम जो विजिट कार्ड पे लिखा था और सड़क का नाम जहाँ वो रहता था वो सिमिलर था। और वो ये सुन के जब जाने लगा तो उन्होंने फिर लोगों ने चिल्लाते हुए कहा वो तीसरी बात तो बता जाओ। तो उसने बोला तीसरी बात तो ये है कि ये कहानी मैंने अभी आधा घंटे पहले ही बनाई थी। इस बात से लोगों को बहुत चिढ़ हुई, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे पकड़ के उसे जाने लगे कि इसको हम मारेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहानी एंड पर एंड हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है फ्रेंड्स। इस कहानी पर फिल्में भी बन चुकी है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस के एक्सरसाइज देखते हैं। कौन से एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में? तो पहला है वर्ड पावर, आपको दिया गया है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज देम सेंटेंस ऑन योर ओन। तो आपको सबसे पहले जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनका आपको अर्थ बताना है और उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला जो वर्ड है वो है थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है टू वॉक इन अ स्पेसिफाइड वे, कि एक निश्चित दिशा में चलना। फ्रेंड्स द मिलिट्री मैन बिगेन टू थ्रेड ऑन द डेक ऑफ ए सिक, यानी जो बिगेन टू थ्रेड, थ्रेड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड, यहाँ थ्रेड लिखना था। तो जो मिलिट्री का जो मेन है वो सिप जहाज के डेक पर एक की ओर चलना प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है। वंडर का मतलब होता है टू मूव हियर एंड देयर, यानी भटकना। महात्मा बुद्ध स्टार्टेड टू वंडर हिज नेटिव प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने जानी पहचानी जगह पर सत्य की तलाश में घूमने लगे। मैंडर यानी घूमना, वंडर एमलेसली इन एमलेसली वे, यानी बिना किसी कारण के घूमना। तो द डेकॉय डिड नॉट लाइक टू मेंडर इन हिज ओन एरिया, जो चोर डाकू होते हैं वो अपने ही एरिया में नहीं घूमते। प्रॉल का मतलब खोजते हुए घूमना, बेचैनी भरी भाव से घूमना। द फैमिली ऑफ डाओ, द फैमिली ऑफ मिस्टर राव लिखना था फ्रेंड्स, यहाँ पे राव कर लेंगे। वेंट लीविंग द स्मॉल डॉग एलोन, उन्होंने अपने कुत्ते को, छोटे कुत्ते को छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया था। सो ही हैड नथिंग टू डू बट क्रॉल, तो इसलिए वो इधर उधर बेचैनी से घूम रहा था। शॉन्टर टहलना, अ वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, यानी राहत चैन के साथ घूमना। आफ्टर रिटायरमेंट ही बिगेन टू सॉन्टर, वो रिटायरमेंट के बाद इधर उधर मतलब आराम से टहलने लगे। फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द लेसन विच हैव सिमिलर मीनिंग, चलिए आपको बताना कौन कौन से सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है फ्रेंड्स। तो टॉपिक का मतलब होता है थीम यानी विषय। एनॉर्मसली का मतलब होता है वास्टली यानी बहुत बड़ा। ह्यूमिड का मतलब वेट होता है यानी गीला। डेस्टिनी और फेट का मतलब भाग्य होता है। वेरी और चेंज का मतलब परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबने, डेबने पर डिस्कशन का यानी बातचीत का विषय क्या था? तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबने वाज सुपर नेचुरल इवेंट, वहाँ जो बातचीत का विषय था वो अलौकिक बातें थी, सुपर नेचुरल बातें थी, भूत प्रेत की बातें थी। इन वट वे द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन वॉज एन एक्सियस फेस वॉज डिफरेंट, जो छोटा जो सफ़ेद चेहरा वाला विचित्र आदमी था उसकी जो कहानी वो किस प्रकार अलग थी। द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन वॉज विथ एन एक्सियस फेस, जो विचित्र चेहरे वाला जो व्यक्ति था
वॉज डिफरेंट, उसकी कहानी अलग थी, बिकॉज देयर वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर इन हिज स्टोरी, कि उसकी कहानी में कई असामान्य बातें थी। अगला क्वेश्चन देते हैं, व्हाट वाज सो पेक्युलियर अबाउट द फेस ऑन द वॉल, जो उसके चेहरे पर सबसे अजीब बात क्या दिख रही थी। द मोस्ट पेक्युलियर थिंग, सबसे विचित्र बात तो ये थी अबाउट द फेस, चेहरे के बारे में, वाज दैट, कि इट रिमेंड आइडेंटिकली द सेम, उसका जो चेहरा था उस आदमी से ठीक मिलता जुलता था। वाइल द पेजेस ऑन द वॉल वॉज ग्रोइंग लार्जर, और उसका जो धब्बे थे उसकी जो आउटलाइंस थी वो धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। एंड आर चेंजिंग देयर आउटलाइन, और उसका जो रूपरेखा थी वो बदल रही थी। वट डोमिनेटेड द थॉट ऑफ द नरेटर वेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, जब उसे सर्दी खांसी हो गई थी तो उसके दिमाग पर कौन सी बातें छा रही थी। द थॉट ऑफ रियल लुकिंग फेस, जो वास्तविक दिखने वाला जो चेहरा था उसकी जो विचार थे। ऑन द वॉल, जो चेहरे जो दीवार पर बना हुआ था, डोमिनेटेड द नरेटर, वो उसके दिमाग में छा गया था। वेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, जब उसे सर्दी खांसी हुई थी। How did the narrator become obsessed with the searching for the man whose face he saw on the wall? जब उस narrator ने उस आदमी को दीवार, जो चेहरा दीवार पर बना था, उसने उसके चेहरे को खोजने के लिए वो किस तरह से पागल हो गया था। The narrator used to watch the face on the wall, वो जो चेहरे पर बना दीवार थी उसको वो ढूंढने के लिए फॉर अ लॉन्ग आवर्स, वो कई घंटों तक देखता था। इट केम टू डोमिनेट हिज थॉट, वो उसके विचारों में छा गया। ग्रेजुअली ही फेल्ट कन्विंस्ड, वो धीरे धीरे वो ये सोचने लगा, दैट सच अ मैन एक्चुअली एग्जिस्ट, कि इस प्रकार का आदमी कहीं ना कहीं अवश्य है। ही वॉज ऑल्सो श्योर, वो उसे श्योर लगने लगा दैट, कि द मैन वर समहाउ लिंक्ड बाय फेट, कि कहीं ना कहीं वो आदमी उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। हैंस ही बिकेम ऑब्सेस्ड विद द सर्चिंग फॉर द मैन, इसलिए उस आदमी को ढूंढने के लिए वो पागल हो गया। आप इसका मीनिंग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड, पॉज करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर व्हेन द मैन, उस जब आदमी की उससे मुलाकात हुई पहली बार तो उसमें क्या हुआ। द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर विद द मैन, उस आदमी की जो एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, टुक प्लेस जस्ट आउटसाइड द डोर ऑफ ए सैलून, एक जो नाई की दुकान के बाहर उसकी मुलाकात हुई। ऑन ए बोट कंपनीड बाय अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के साथ वो आदमी जा रहा था। द नरेटर अप्रोच हिम, वो आदमी उसके पास पहुंचा। एंड आस फॉर हिज कार्ड, और उससे उसने कार्ड मांगा। ऑन द प्रीटेक्स्ट, ये कहते हुए मांगा, दैट ही हैज एन इम्पोर्टेंट रीजन, कि उसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम है। टू कम्युनिकेट विथ हिम, उससे बातचीत करने के लिए। द मैन थॉट एस्टोनिश्ड, वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक भाव से देखा। एंड गिव हिज कार्ड, उसने अपना कार्ड दिया। एंड हरीड अवे, और वहाँ से दूर चला गया। What strange fact did the narrator discover when he looked the man's visiting card? जब उसने उसके विजिटिंग कार्ड को देखा तो कौन कौन सी नई बातें देखा, कौन सी विजिटिंग नई बातें दिखाई दी। The striking feature, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी, which the narrator discovered, जो उसने देखा, when he read, उसने पढ़ा, the man's visiting card, उसके विजिट कार्ड में जो लिखी थी पहली, first his name was Ormond, उसका जो नाम लिखा था Ormond था, the same as that of stayed in one of the room which the narrator stayed, ये उसी सड़क का नाम था जिस सड़क के सामने किसी कमरे में वो वक्ता वहाँ पर किराए से रहता था। एंड हैड फाउंड हिज फेस काउंटर ऑन द वॉल ऑफ दिस ऑफ द हाउस, और उसी चेहरे और उसी कमरे के दीवार पर जो चेहरा बना था वो उससे मिल रहा था। पहला उसका नाम आर्मोंड, वो सड़क का ही नाम था। द सेकेंड वॉज हिज सरनेम, और उसका जो सरनेम था, और जो सेकंड बात थी उसका सरनेम जो वॉल था वो वॉल भी था, और इट वो भी एक वॉल, एक दीवार ही थी, वेयर ऑन द नरेटर डिस्कवर्ड द फेस, जहाँ पर उसको उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। काउंटर रिजेंबलिंग, वो लगभग सेम दिख रहा था द फेस ऑफ दिस मैन, उस आदमी के, मतलब पहला उसका नाम आर्मोंड, उस सड़क का नाम था, और दूसरा उसका सरनेम वॉल था, और वो वॉल पर ही उसका चेहरा बन रहा था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों बातें उसमें बहुत आश्चर्यजनक उसके विजिटिंग कार्ड में उसको दिखाई दी। व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व व्हेन द पेजेस ऑन द वॉल व्हेन ही वॉक अप द प्रीवियस डे, व्हाट डिड इट सिग्निफाई, जब अगले दिन वो सुबह उठा तो उसने उसके चेहरे में क्या देखा, और ये बात किस तरह से डिफरेंट थी। द प्रीवियस डे व्हेन द नरेटर वॉक अप, जब अगले दिन वो उठा
टू हिज सरप्राइज उसने आश्चर्य से देखा, ही फाउंड दैट द पैचेस वॉज ओनली फेंट विजिबल, उसका चेहरा बहुत धूमिल तरीके से दिख रहा था। ही देन फाउंड दैट उसने ये पाया कि द मैन गॉट इंजर्ड क्रिटिकली, कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मोटर एक्सीडेंट हो गया है क्रिटिकली, बहुत खतरनाक तरीके से। एंड बोथ हैपेंड मोर और लेस एट द सेम टाइम, और दोनों घटनाएं एक साथ ही घटी। द इंसिडेंट सिग्निफाई दैट, इसमें ये संबंध है कि मिस्टर आर्मॉन्ड वॉल एंड द पेचेज ऑन द वॉल ऑफ द नरेटर्स हाउस शेयर्ड क्लोज कनेक्शन, कि मिस्टर आर्मॉन्ड वॉल और जो चेहरे पर जो उसके दीवार पर बन रहे थे, उसके जो पैच बन रहे थे, धब्बे बन रहे थे उस नरेटर के हाउस में, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई गहरा संबंध था। What two remarkable thing did the narrator mention? कौन सी दो बातें जो उसने narrator ने बताई, ध्यान दी, उल्लेखनीय थी बातें। The narrator promised of mentioning three remarkable things. उसने बोला था कि तीन बातें सबसे ज़्यादा important है about the story, इस कहानी के बारे में, but the two he did were, उनमें से ये दो बातें तो ये थी। पहला, decolorization in a lodging house. वो जो किराए के कमरे में उसका डी कलर होना, उसका रंग बदलना, चेहरा मतलब कलर बदलना, इन लंदन रिसेम्बलिंग, लंदन में जो घर था, एंड इवन हैविंग द इंटीमेट सिचुएशन विद अ मैन इन अमेरिका, और वही आदमी जो अमेरिका में रह रहा था उसका कहीं ना कहीं इंटीमेट गहरा संबंध था। द जेंटलमैन नेम बियरिंग द रिलेशन टू द स्पॉट, और जो उसका नाम था जेंटलमैन का, आर्मॉन्ड स्ट्रीट, मिस्टर आर्मॉन्ड वॉल, जो आर्मॉन्ड वॉल था उसका जो नाम था, बियरिंग रिलेशन टू द स्पॉट, उस जगह से कहीं ना कहीं उसका गहरा संबंध था। ऑन विच इज फीचर्स, जिसके बारे में उसको वो फीचर्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, आप इसको हिंदी में पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स, काफी आप इस वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद यहाँ पर आप हर चीज मिला सकते हैं। चलिए, What was the third remarkable thing? What effect did it have to the on the people present? और तीसरी रिमार्केबल उल्लेखनीय बातें क्या थी जो वहाँ पर और वहाँ पर लोग उपस्थित थे उनके उन पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? तो the third remarkable thing was that, सबसे important remarkable ये उल्लेखनीय बात ये थी कि the story was fabricated by the Hudson White. कि ये जो कहानी थी वो रटसन बाइट के द्वारा बनाई गई थी, हिमसेल्फ ऑन द स्पॉट, वो उसी स्थान पर ही बनाई गई थी। द पीपल हु वर प्रेजेंट देयर वर सो एस्टोनिश्ड, वो उसको देखकर इतने ज्यादा एस्टोनिश हो गए, यानी उनका गुस्से से भर गया, दैट दे फेंटेड एट वंस हियरिंग द स्टोरी, वो एकदम से बेहोश हो गए और उन्हें बहुत गुस्सा आई इस बात को सुनकर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या दिया था आपको। इन द सेंटेंस बिलो डिसाइड इफ द इटलाइज्ड वर्ड रिफर टू द प्रेजेंट फ्यूचर और समथिंग हैबिचुअल, जो नीचे दिए गए शब्द हैं वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या हैबिट को बताते हैं। तो देखते हैं, पहला, सुनील वॉन्ट्स टू बी पायलट वेन ही ग्रो अप, जब वो बड़ा होगा तो वो पायलट बनना चाहता था, ये बात फ्यूचर की है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब दिया गया है। She always go abroad for holidays. वो हमेशा जब भी छुट्टियाँ होती तो वो विदेश जाती है, तो ये उसकी हैबिट है। I just want to go to sleep. मैं सोने के लिए जाना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट को दिखाता है। Washington in the capital of the USA. Washington जो है वो USA अमेरिका की एक कैपिटल है, राजधानी, ये प्रेजेंट टेंस को बताता है। When do you study at the university next year? तुम अगले साल next university कब जाने वाले हो, तो ये फ्यूचर की बात है। ओ मदर दिस मिल्क टेस्ट अवफुल, इस माँ इस दूध का जो स्वाद है वो बहुत ख़राब है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। यू लुक रियली फनी एट दिस इन दिस एड, तुम बहुत मजाकिया दिखते हो, बहुत विचित्र दिखते हो इस टोपी में, ये प्रेजेंट की बात है। यू मी लव टू नीतू इफ़ यू सी हर, यदि आप नीतू से मिलोगे तो उससे मेरा प्रेम कहना, ये फ्यूचर की बात है। डू यू चिल्ड्रन Do your children help in the housework? क्या आपके बच्चे घर में help मदद करते हैं? ये उसके habit की बात है। It's amazing how many people eat far too much. बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ये habit की बात है। Make question from this jumble word. Do not to the capital letter and question mark. चलिए उसको कैपिटल वर्क और क्वेश्चन मार्क को थोड़ा सा फॉरगेट कर दीजिए। अब आप बताइए, जंबल वर्ड दिया हुआ, इन द मॉर्निंग ड्रिंक टेलर कॉफी, डू यू, अब इसका क्या सही होगा? तो डू यू
ड्रिंक कॉफी, टी और कॉफी इन द मॉर्निंग, क्या आप कॉफी या चाय लेते हैं सुबह? योर फादर इंग्लिश स्पोक डस, तो डज योर फादर स्पीक इंग्लिश, आपके क्या पिताजी इंग्लिश बोलते हैं? गो टू बेड व्हेन यू, तो व्हेन डू यू गो टू बेड, आप बिस्तर पर सोने कब जाते हैं? वर्क योर फादर डज वेयर, वेयर डज योर फादर वर्क, आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं? द फर्स्ट लेसन बिगेन डज व्हेन, व्हेन डज द फर्स्ट लेसन बिगेन, यहाँ पर बिगेन कर लेंगे फ्रेंड्स, पहला लेसन कब प्रारंभ हुआ? योर टीथ यू एवरी डे क्लीन डू, डू यू क्लीन योर टीथ एवरी डे, क्या आप अपने दांतों को प्रतिदिन साफ करते हैं? और फ्रेंड्स इसमें गो डू यू बाय बस टू स्कूल, तो डू यू गो टू स्कूल बाय बस, क्या तुम स्कूल बस से जाते हो? चलिए फिल इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट आर गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपको नीचे दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि आप वो क्या सही वर्ड आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस भी लिखना है आपको, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? चलिए देखते हैं, एट द मोमेंट टू मेन आर वर्किंग, इस समय पर दो आदमी काम कर रहे हैं, आर वर्किंग आएगा यहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, दे आर मेंडिंग अ वाटर पाइप, वे लोग एक वाटर पाइप को सुधार रहे हैं, द मेन आर ऑन द लेफ्ट हैज हैव का सही फॉर्म है ये हैज बीड़ी इन हिज हैंड, एक आदमी के पास बीड़ी है, एंड द वाटर कम्स आउट ऑफ द होल, और नल से पानी बाहर आ रहा है, द वाटर इज रनिंग डाउन ऑन द रोड, जो पानी है वो रोड पर बह रहा है, देयर आर सम हट्स देयर, वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ भी बनी हुई है, एवरी डे दीज मैन ईट्स देयर फूड आउटसाइड द हट, वे लोग जो खाना है वो झोपड़ी के बाहर ही खाते हैं, एंड थ्रो और फेंक देते हैं ऑल द गार्बेज ऑन द रोड, और रोड पर ही फेंक देते हैं, दे डू नॉट कीप द प्लेस क्लीन, और वही लोग जो हैं उस जगह को साफ नहीं रखते हैं, तो ये मैंने रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये करेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। चलिए आपको ये बताना है सिंस या फोर आपको सही जगह लगाना है, सी हैज बीन टीचिंग इन दैट स्कूल, वो पढ़ा रही है सिंस 1940, हमेशा सिंस जब भी आता पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब एक समय पूरा पीरियड नहीं एक समय की शुरुआत दी गई हो तब उसमें वहाँ पर हमेशा सिंस आता है। माई फ्रेंड हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरा जो दोस्त है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कई लंबे समय से बीमार है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock, मैं यहाँ 5 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। जब भी पाँच यानी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस आएगा, और लॉन्ग टाइम आएगा यानी पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फॉर आएगा। वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट जनवरी, हम यहाँ पर जनवरी से पढ़ रहे हैं सिंस से। ये हैव बीन वेरी बिजी सिंस लास्ट वीक, वो यहाँ पर लास्ट वीक से यानी पिछले सप्ताह से वो बिजी है। He has been here for a for 3 weeks, यहाँ 3 कर लेंगे, वो 3 हफ्तों से यहाँ पर है। He has been living here since 1982, वो यहाँ 1982 से रह रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और एक खास बात, जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको इस लेसन में कौन सी कमी दिखाई दी वो कमेंट पर बोलना लिखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे मेरे जो वीडियोस हैं उसमें मुझे एक एक टाइप की हेल्प मिलती है ताकि मैं अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए हेल्पफुल बन सकूं। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वन सेकेंड।